यह है दिल्ली के चारों तरफ चक्कर काटती रिंग रेलवे। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली में मेट्रो और डीटीसी के बसों के अलावा कनेक्टिविटी का कोई और साधन हो सकता है? जी हाँ, पहले से मौजूद है दिल्ली की अपनी लोकल रिंग रेलवे, जो राजधानी के चारों ओर चक्कर लगा रही है पिछले कई दशकों से। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विशेष में। मैं हूँ सूरज मोहन झा। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली रिंग रेलवे सर्विस की। दिल्ली में रिंग रोड के इर्द गिर्द पूरा एक रेल नेटवर्क है। 1975 में यहाँ पे मालगाड़ियों को ढोने के लिए ये ट्रैक बनाया गया था। उस समय इसका उद्देश्य था कि दिल्ली में डीजल वाहन या ट्रकों के लोड को कम किया जा सके। 1982 में जब दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ तो कई आयोजन स्थल दक्षिणी दिल्ली और इसके इर्द गिर्द मौजूद थे, तो इस पे सवारियों के लिए भी गाड़ियां चलाई गई और उसको नाम दिया गया दिल्ली रिंग रेलवे ट्रेन, यानी कि परिक्रमा ट्रेन, मुद्रिका ट्रेन, जिसमें लोग सफ़र करते थे, अपने गंतव्यों तक पहुँचते थे। शुरू में ये ट्रेन अपने सवारियों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय था, खासकर ऑफिस जाने वाले कामकाजी लोग और महिलाओं के बीच में। बाद में कहीं ना कहीं मैं दिल्ली मेट्रो के आने के बाद ये अपने सुविधा के लिहाज से कहें या जनता के बीच में ये लोकप्रिय नहीं रहा। इसके पीछे कुछ कारण और भी थे, जैसे रेलवे ट्रैक पर अतिक्रमण, प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द लोगों ने अपने घर बना लिए थे, कहीं झुग्गी झोपड़ी डाल लिए थे, वो भी एक कारण रहा, यानी सुरक्षा के लिहाज से। और भी कई कारण थे जिस वजह से ये अलोकप्रिय होता गया। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली व हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर ट्रेनों के आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए 1975 में दिल्ली में रिंग रोड के समानांतर पटरी बिछाकर मालगाड़ी चलाने की शुरुआत की गई थी। कुछ पैसेंजर ट्रेनें भी इस पर चलाई जाती थीं। दिल्ली में 1982 में आयोजित एशियन गेम्स के मौके पर विशेषकर नौकरी पेशा व दैनिक यात्रियों के लिए सब अर्बन रिंग रेलवे सर्विस की शुरुआत की गई थी। मुंबई लोकल के तर्ज पर राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने के लिए चलाई गई थी रिंग रेल सेवा। परिक्रमा सेवा दिल्ली की मुद्रिका रिंग रेल सेवा को कहते हैं। ये सेवा मुद्रिका यानी अंगूठी के आकार में गोलाकार रेल लाइन पर चलती हुई पूरी दिल्ली के चक्कर लगाती है। इसमें 21 रेलवे स्टेशन आते हैं। ये यात्रा लगभग 1 घंटा 5 मिनट से लेकर 1 घंटा 35 मिनट तक की होती है। ये रेल लाइन दिल्ली की रिंग रोड के लगभग समानांतर चलती है, खासकर दक्षिणी दिल्ली में तो एकदम ही समानांतर है, लाजपत नगर से लेकर बरार स्क्वायर तक। रिंग रेल नेटवर्क पर इस समय 5 जोड़ी लोकल ट्रेनें चलती हैं, जबकि रोजाना 70 मालगाड़ी गुजरती हैं। दिल्ली रिंग रेल सेवा। दिल्ली रिंग रेल सेवा के अंतर्गत 21 रेलवे स्टेशन हैं, जो इस प्रकार हैं: हजरत निजामुद्दीन, लाजपत नगर, सेवा नगर, लोधी कॉलोनी, सरोजनी नगर, सफदरजंग, चाणक्यपुरी, सरदार पटेल मार्ग, बरार स्क्वायर, इंद्रपुरी, नारायणा विहार, कीर्ति नगर, पटेल नगर, दया बस्ती, विवेकानंदपुरी, किशनगंज, सदर बाजार, नई दिल्ली, तिलक ब्रिज, शिवाजी ब्रिज और प्रगति मैदान स्टेशन। इस लाइन पर कई बड़े व्यापारिक केंद्र भी हैं। दिल्ली रिंग रेल पर फिलहाल 5 EMU और एक्सप्रेस सेवाएं गुजरती हैं। EMU सेवाओं के जरिए इस नेटवर्क पर रोजाना लगभग 5,000 लोग यात्रा करते हैं। दो EMU सेवाएं सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को नहीं चलती हैं। इस रूट पर चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियां सिर्फ सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर ही रुकती हैं। रिंग रेल का किराया बहुत कम है। ये रेलगाड़ी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलकर पूरी दिल्ली का चक्कर लगाते हुए फिर से निजामुद्दीन ही पहुँचती है। रिंग रेल पर EMU के जरिए यात्रा करने पर आपको न्यूनतम 5 रुपये व अधिकतम 20 रुपये किराया देना होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि रिंग रेल आपको दिल्ली में एक जगह से दूसरे इलाके तक कुछ ही मिनटों में पहुंचा देती है। 80 और 90 के दशक में रिंग रेलवे दिल्ली के लोगों में काफ़ी लोकप्रिय रही, पर आज के समय सार्वजनिक यातायात की इस व्यवस्था को
सभी ने भुला दिया है। आज भारतीय रेल रिंग रेलवे पर दिन में 10 ट्रेन चलाती है, पर अधिकतर समय ये ट्रेनें खाली ही रहती हैं। इसका मुख्य कारण इन ट्रेनों का देरी से चलना, स्टेशनों का मेट्रो और बसों के नेटवर्क से दूर होना, स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी और मेट्रो या बसों की तरह हमेशा ना उपलब्ध होना है। रिंग रेलवे में प्रयोग आने वाले ट्रैक को मालगाड़ियां भी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करती हैं, जिसके कारण रिंग रेलवे हमेशा देरी से चलती है। दिल्ली रिंग रेल के विकास में अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क पर अधिकांश मालगाड़ियां चलती हैं और 30% ज्यादा बोझ है। इस स्थिति में मालगाड़ी कम किए बगैर पैसेंजर गाड़ी चलाना मुश्किल है। यदि एक भी मालगाड़ी कम होती है तो दिल्ली की सड़कों पर 450 अतिरिक्त ट्रक उतर जाएंगे, जिससे दिल्ली की यातायात व्यवस्था सुधरने के बजाय और बिगड़ेगी। इसीलिए पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पटरी बिछानी होगी और इसके लिए पटरी किनारे हुए अतिक्रमण को दूर करना होगा। इसी तरह से यात्री सुरक्षा के लिए भी स्टेशनों पर हुए अतिक्रमण को हटाना होगा। फिलहाल रिंग रेल पर जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए काम करना होगा, जिसके लिए राज्य सरकार को स्टेशन तक फीडर सेवा उपलब्ध करानी होगी। एक तरफ जहां मेट्रो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जीवन रेखा बन गई है, वहीं दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत होने के पहले से मौजूद भारतीय रेल की रिंग रेलवे को सभी ने भुला दिया है। कई दिल्ली वाले इस बात से अनजान होंगे कि रिंग रेलवे दिल्ली के चुनिंदा स्थानों से गुजरने वाला, रिंग रोड के लगभग साथ चलने वाला 35 किलोमीटर लंबा गोल रेलवे नेटवर्क है। इसका निर्माण 1975 में मूलतः मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए किया गया था, ताकि यात्रियों से भरे नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। रिंग रेलवे के सुधार की कई योजनाएं बनी, पर धरातल पर कुछ बदलाव नहीं आया। ना तो स्टेशनों से अवैध झुकी झोपड़ियां हटी, ना अतिक्रमण हटा, ना असामाजिक तत्व हटे और ना ही प्रस्तावित नई रेल लाइन बिछी। भारत सरकार और दिल्ली सरकार में कई राजनीतिक दलों ने राज किया, पर किसी ने भी रिंग रेलवे का सुधार नहीं किया। प्रदूषण, ट्रैफिक की समस्या पर सभी राजनीतिक दल बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर यदि बिजली से चलने वाली रिंग रेलवे पर काम किया होता तो इन दोनों परेशानियों से दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिल सकती थी। साल 2016 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट में रिंग रेल को राज्य सरकार के साथ मिलकर विकसित करने की घोषणा की थी। इसके बाद दिल्ली रेल मंडल के अधिकारियों ने अध्ययन करने के बाद जो रिपोर्ट दी थी उसके अनुसार रिंग रेल के विकास में अतिक्रमण सबसे बड़ी बाधा है। दिल्ली और नेशनल कैपिटल इज अंडर सीरियस स्ट्रेस फ्रॉम राइजिंग पोल्यूशन लेवल एंड कैन बी प्रोवाइडेड रिलीफ बाय रिवाइविंग द रिंग रेलवे सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ 21 स्टेशन। We will partner with the state government to develop this infrastructure. बेपटरी हुई रिंग रेल सेवा को फिर से पटरी पर लाने के लिए रेलवे की तरफ से नई कार्य योजना की शुरुआत हुई है। इसमें रेलवे के अलावा दिल्ली सरकार और राइट्स की प्रमुख भूमिका है। तीनों के बीच इस बारे में MOU भी हुआ है, जिसमें रिंग रेल सेवा के आगे की योजना को लेकर स्टडी प्लान बनाया गया है। उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन, दिल्ली सरकार और राइट्स के बीच हुए इस समझौते में रिंग रेल सेवा को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा कर अमलीजामा पहनाने की बात हुई है। समझौते के तहत रिंग रेल सेवा के बेहतरी के लिए कई प्रस्तावों पर अमल करने की बात कही गई है। इसमें रिंग रेलवे के वर्तमान और प्रस्तावित मास्टर प्लान के लिए अध्ययन, रिंग रेलवे रूट के लिए जमीन की योजना, रेलवे की भूमि को कमर्शियल प्रयोग, मार्केट का अध्ययन ताकि रिंग रेलवे से राजस्व मिल सके। रेलवे ने अपनी भूमि को बचाने के लिए 4 दीवारी करने का भी फैसला किया है, लेकिन जब तक रिंग रेल के स्टेशनों और पटरी किनारों से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, तब तक इसका पूरा लाभ दिल्ली वासियों को नहीं मिलेगा। मुंबई लोकल के तर्ज पर राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने के लिए फिर से चलाई जा रही रिंग रेल परियोजना राजनीतिक कारणों से अपने ही भंवर में फंस गई है।
साल 2016 के रेल बजट के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रिंग रेल को फिर से चलाने का ऐलान किया था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है। दरअसल इस परियोजना के बीच में करीब 50,000 झुग्गियां आ रही हैं। दयाबस्ती, पटेल नगर, मायापुरी, कीर्ति नगर सहित अन्य जगहों पर बने इन झुग्गियों को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन दिल्ली सरकार के पुनर्वास नीति के कारण इन्हें तोड़ा नहीं जा सका। रेलवे ने इस संबंध में दिल्ली सरकार को सर्वे कर कुल झुग्गियों की संख्या बताई, साथ ही जल्द इनके पुनर्वास के लिए कहा, लेकिन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड झुग्गियों के पुनर्वास की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पाया है। बोर्ड को सर्वे कर रेलवे को बताना था कि इनके पुनर्वास में कुल कितना खर्च आएगा और कब तक पुनर्वास पूरा हो सकता है। रेलवे की माने तो झुग्गियों के पुनर्वास के बाद ही रिंग रेल परियोजना पर काम किया जा सकता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली की सड़कों से निजी वाहनों और ट्रैफिक को कम करने के लिए दिल्ली रिंग रेल को दिल्ली मेट्रो के तर्ज पर विकसित करने की बात कही है, ताकि दिल्ली में ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। दिल्ली रिंग रेल को समझने के लिए लोकसभा टीवी की टीम ने रिंग रेल में यात्रा की और इसकी खूबी और कमियों को यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों से समझा। दिल्ली रिंग रेलवे सर्विस यानी कि एक ऐसी रेल सर्विस जो दिल्ली में गोल घूमती है पूरी, इसीलिए इसको रिंग सर्विस कहा जाता है। अंगूठी के आकार का बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच ये ट्रेन चलती है, जो कि दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से चलती है और दिल्ली के अलग अलग जगहों से होते हुए पूरे एक बीच की परिक्रमा करती है और अंगूठी का आकार लेती है और ये आके हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर ही ख़त्म होती है। तो आज कार्यक्रम में हम इस ट्रेन में सफ़र करेंगे और इस ट्रेन में नियमित सफ़र करने वाले यात्रियों से जानेंगे कि उनका क्या अनुभव है इस ट्रेन के विषय में, कैसे ये उनके गंतव्य तक पहुंचाने में उनकी मदद करता है, उनका अनुभव कैसा है और वो क्या चाहते हैं आगे, इसमें क्या कुछ सुधार है, तो आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में। इस यात्रा की शुरुआत हमने हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से की। इस यात्रा के दौरान हमें कई महिला दैनिक यात्री मिली जो दिल्ली रिंग रेल सेवा से रोजाना सफर करती हैं। हमने उनसे बात की और उनके अनुभव को जाना। मैं इस समय दिल्ली रिंग रेलवे सर्विस में ही एक ट्रेन में सफ़र कर रहा हूं और मेरे साथ कुछ यात्री यहां मौजूद हैं जो कि महिलाएं हैं, तो इनसे जानते हैं इनका इस ट्रेन में सफ़र करने का कैसा अनुभव रहा है। मैम अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिव्या कश्यप है। दिव्या जी, आप क्या इस ट्रेन से रोज़ाना सफ़र करती हैं और कैसा अनुभव आपका? मैं डेली सफ़र करती हूँ, अच्छा लगता है, अच्छा है। किस तरह से ये ट्रेन आपके उसको आसान बनाता है? मतलब मैं जॉब करती हूँ डेली, तो मतलब बहुत यहाँ से डेली सफ़र करना होता है मेरा, क्योंकि ये बेस्ट ट्रेन है यहाँ से जाने के लिए। बस आप बताएं, अपना नाम बताएं और किस तरह का अनुभव है उस विषय में बताएं। रेखा। और सर ये रूट तो अच्छा है क्योंकि यहाँ से मेट्रो में किराए की भी फैसिलिटी और वैसे भी स्टॉपेज पे भी अच्छी फैसिलिटी है ट्रेन से, तो किराया भी कम होता है और आपको मेट्रो से तो बहुत लग जाएगा ना, इसलिए ट्रेन ये तो अच्छी है। वैसे इस रूट पे की रूट तो यही है बस। तो आप जो है कहाँ यहाँ जॉब करने आती हैं, कहाँ आती हैं और कहाँ से आती हैं आप? सर सापला टू ये लाजपत नगर। अच्छा, यहाँ जॉब के लिए आती हैं। और कहाँ आपका घर, रहती कहाँ है आप? सापला। सापला, सापला कहाँ पड़ता है? रोहतक साइड में। रोहतक, तो आप यहाँ पे लाजपत नगर से इस ट्रेन को पकड़ती हैं और फिर ये स्कूल बस्ती से चेंज करके फिर वो आगे रोहतक वाली मिलती है। तो किस तरह का आपको लगता है इस रिंग जो सर्विस है, ये जो परिक्रमा पूरी दिल्ली की कराती है और इसमें तो आप सहूलियत देती है? हाँ सर है तो। आप अपना नाम बताएं मैम। मेरा नाम आरती है और मैं शगुन बस्ती से आती हूँ, मैं निज़ामुद्दीन जॉब करती हूँ, तो मैं डेली यही ट्रेन पकड़ती हूँ, मुझे सूट करती है ट्रेन। मैं यहाँ से दूसरी ट्रेन चेंज करती हूँ पर बाकी ट्रेन निकल जाती है, पर मुझे ये ट्रेन अच्छी लगती है, इसमें आती हूँ, रुकती भी नहीं है, नॉन स्टॉप चलती है, तो अच्छा लगता है इसमें सफ़र करना। कुछ महिला यात्री इस सेवा में आ रही दिक्कतों को बयान कर रही थीं और हमें रिंग रेल सेवा में सुधार के लिए सुझाव भी दे रही थीं। जो ये रास्ते में रुकती है ना, वो दिक्कत होती है, उसकी वजह से हमारी आगे वाली ट्रेन मिस हो जाती है, जिसकी वजह से हम लेट पहुंचते हैं घर तक। तो बेस्ट है, मेट्रो में 200 रुपये लगते तो यहाँ 20 रुपये में काम चलता है और ऊपर से टाइमिंग भी ठीक है, हमें तो सूट करती है। महिला यात्री दिल्ली रिंग रेल सेवा की प्रशंसा करते हुए इसे अपने रोजाना की जिंदगी जो
घर से दफ्तर और दफ्तर से घर की होती है, उसकी जरूरत भी बता रही थी। शीला जी, आप कितने सालों से दिल्ली आ रही हैं काम के लिए? पहले तो यहाँ रहते थे सर, अभी यहाँ 10 साल होने वाली है फरवरी में। हाँ जी, ट्रेन से ही आना जाना। कहाँ से कहाँ का सफ़र करती हैं? मैं घेवरे से आती हूँ, घेवरे से सरोजनी नगर तक। हाँ जी, तकरीबन 10 साल से आप इस ट्रेन में सफ़र कर रही हैं, तो इस ट्रेन के 10 साल से जो आप सफ़र कर रही हैं, किस तरह का अनुभव है आपका? सर ये लेट होती है, सुबह काफ़ी लेट हो जाती है, कभी 9:15, 9:30, कभी 9, कभी हफ्ते 15 दिन में राइड भी आ जाती है, कभी लेट भी हो जाती है, आने जाने में परेशानी होती है, तो बहुत पैसेंजर तो छोड़ छोड़ के नहीं आ उसमें बस में आने लग गए, और कभी वो जेंट्स भी चढ़ जाते हैं जेब खतरे, वो भी बैग लेग ले लेके भाग जाते हैं। सुरक्षा का एक सबसे वो कारण है, सुरक्षा जो है वो होनी चाहिए महिलाओं की खास तौर से, नहीं? और ये बताइए कि इस ट्रेन में चढ़ने की आपकी वजह क्या है, क्यों चढ़ती हैं आप इस ट्रेन में? इस ट्रेन में वजह यही है, हमारी थोड़ा वो हो जाता है ना, जल्दी आ जाते हैं, किराया कम लगता है इसलिए। दिल्ली रिंग रेल सेवा में हजारों दैनिक यात्री ऐसे हैं जो दिल्ली के आसपास से रोजाना आते हैं और इस ट्रेन में सफर करते हैं। ये लोग समूह में होते हैं और इस सफर का आनंद लेते हैं। इस सफर में मैं अब दयाबस्ती से आगे बढ़ा हूँ और यहाँ भी कुछ यात्री हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनके अनुभव जानते हैं, इस ट्रेन में इनका किस तरह का अनुभव है और किस तरह के सुझाव ये देना चाहते हैं। सब दैनिक यात्री हैं और कई सालों से इसमें सफर कर रहे हैं। आप बताएं सर, आपका नाम क्या है और आप कहां से कहां तक सफ़र करते हैं? मेरा नाम सुरेंद्र है जी, मैं बहादुरगढ़ से नारायणा तक सफ़र करता हूं। बहादुरगढ़ से नारायण तक सफ़र करते हैं, तो इसे आप नारायणा पर पकड़ते हैं और कहां फिर? नारायणा से फिर इंद्रलोक, ये यहाँ पे दयाबस्ती या फिर दयाबस्ती। तो कितने सालों से इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं आप? मेरे को 10 साल के लिए। किस तरह का अनुभव है आपका इस ट्रेन का? ये जीरो है, आती नहीं, कभी आती नहीं टाइम पे। तो इसे बंद कर देना चाहिए, चलानी चाहिए इसे? नहीं, चलती नहीं है, कभी 2 चलती, कभी 1 चलती, कभी आती है, कभी नहीं आती है, कई कई महीने बंद हो जाती है बीच में। अच्छा, आपको लगता है चलनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। क्यों चलनी चाहिए, किस तरह की सहूलियत होगी अगर चलेगी? हमें बस में जाना पड़ता है ना, वहाँ उतर के स्कूल बस्ती से 1 घंटा हमें 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, अगर ये नहीं आती है तो 1 किलोमीटर जाना 1 किलोमीटर आना। आइए आप इनके पास चलते हैं, ये बताना चाह रहे हैं, थोड़ा आप घूम जाए। हाँ, आप अपना नाम बताओ, कहाँ से कहाँ तक आप सफर करते हैं बताएं। मेरा नाम राजकुमार है, मैं रोहतक से निजामुद्दीन बाया पटेल नगर सफ़र करता हूं और पिछले 25 साल हो गए मेरे को, 25वां साल है, और इस लाइन पे अभी पिछले 3-4 साल से इस लाइन का 3-4 महीने गाड़ी बंद कर दी जाती है, एक ही ट्रेन चलती है ये, जिसमें 5,000 से 7,000 तक यात्री डेली अप डाउन करते हैं और उनका मतलब कोई भी सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इस लाइन पर कई सारे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर टिकट भी नहीं मिलती है, और यहाँ पे मतलब इतना मतलब यात्री इतने परेशान हैं कि एक ही ट्रेन है, हम चाहते हैं कि 1 घंटे में एक ट्रेन हो जाए, तो मेट्रो की ज़रूरत नहीं है और दिल्ली में यातायात भी सुधर जाएंगे, रिंग रोड सेवा भी अच्छी हो जाएगी। रिंग रोड पे जितना भी क्या नाम ट्रैफिक है वो इस ये ट्रेन सोल्व कर सकती है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चूंकि इसमें सवारियों की संख्या, इसमें हम 730 रुपये का पास बनवाते हैं और पास की एक्चुअली यहाँ पे काउंटिंग नहीं होती है। बताइए जो रिंग सर्विस ट्रेन है ये, हाँ, इसकी उपयोगिता क्या है? देखो इसकी ये है कि हम 5-7 हज़ार यात्री डेली अप डाउन करते हैं और हमारी इस तरफ की जो मतलब जॉब है सारी साउथ दिल्ली की है और साउथ दिल्ली में हमें सुविधा चाहिए। आप बताएं इसकी उपयोगिता ये है कि जो भी रोहतक से, सांपला से, बहादुरगढ़ से जो भी लोग आते हैं वाया रोड, उनके लिए यहाँ तक पहुँचना, साउथ दिल्ली तक पहुँचना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो दिस इज द मेन वे। आपको लगता है इसके फेरे बढ़ने चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली, इसके फेरे बढ़ने चाहिए, अगर इसके फेरे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा लोगों को, कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि बाई रोड में भी आया हूँ कितनी बार, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है रिंग रोड पर, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है बहुत ही। इस सफर के दौरान हमारी मुलाकात एक युवा से हुई जो स्वयं रेलवे में कर्मचारी हैं और रोजाना दिल्ली की रिंग रेल में यात्रा करते हैं। दिल्ली रिंग रेल सर्विस की इस यात्रा में मेरे साथ इस समय दिनेश मौजूद हैं, आप रेलवे में ही कार्यरत हैं और निजामुद्दीन से आप नागलोई,
दिल्ली के छोर से उस छोर का सफर करते हैं और उसमें ये इस ट्रेन के दैनिक यात्री हैं, तो इनसे बात करते हैं, इनका किस तरह का अनुभव। दिनेश आप बताएं, अपने बारे में बताओ, किस तरह की इस ट्रेन में आपकी यात्रा का अनुभव है? यात्रा का अनुभव बहुत ही अच्छा है इसमें। ये पैसेंजरों की ऑफिस टाइम के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेन है, सुबह और शाम को, सुबह आने में मदद करती है, शाम को जाने में करती है हमारी। ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है, अदर रूट के हिसाब से ये 45 मिनट का टाइम लेती है, विद्यावस्थी पहुँचा देगा अगर बाई चांस ना रुकी तो। इससे आने जाने में काफ़ी सुविधा होती है पैसेंजरों को, पर इस रूट पर थोड़ा चेकिंग नहीं होती, सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ अगर चेकिंग हो तो रेलवे की कुछ अर्निंग होगी इसमें, क्योंकि जब चेकिंग है तो लोग बाग विदाउट टिकट ही चलते हैं। वैसे तो अधिकतर पास वाले होते हैं इसमें, हम सब लोग पास लिए बैठे हुए इसमें, पर विदाउट पास भी ऐसे तो जो टिकट ही नहीं लेते हैं इस लोग इसमें, तो इसलिए इस पर रेलवे को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस तरह में टीटी की सुविधा की जाए। मैं इस ट्रेन में अक्सर सफ़र करता रहता हूँ। मैं ये ट्रेन बहुत अच्छी है और खासकर जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और जो बहादुरगढ़ रोहतक तक के जो पैसेंजर आते हैं सोनीपत, सब के लिए सूटेबल है। तो आप कहाँ जाते हैं? मैं इससे दयाबस्ती उतार के बहादुरगढ़ की ट्रेन पकड़ता हूँ। तो ये आपका रोजाना का की दिनचर्या है? हाँ, मोस्टली रोजाना ही हो जाता है। तो आपको लगता है कि जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास से लोग आते हैं, ये जो परिक्रमा है, सर्कुलर ट्रेन है, ये उनके लिए फ़ायदेमंद है? बिल्कुल फ़ायदेमंद है, और इसके मैं तो कहता हूँ कि इसके सर्कल और बढ़ाए जाएं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे और इसकी सुविधा आम लोगों तक पहुँचे, और बसों में जो भीड़ रिंग रोड पे चलती है वो ट्रेन में कन्वर्ट हो। हम ट्रेन में चढ़ते हैं, यात्रा करते हैं, यात्रा का आनंद लेते हुए अपने गंतव्यों तक पहुँच जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अनुभव किया है कि ट्रेन का संचालन गार्ड और ड्राइवर या रेलवे की भाषा में कहें तो मोटरमैन के समन्वय से होता है? इसी को समझने के लिए हम पहुंचे ट्रेन के मोटर कैबिन, जहां से ट्रेन चलाई जाती है। यहां बात की मोटरमैन मोतीचंद राम से। आपका किस तरह का जो ओवरऑल 10-1 दशक का अनुभव हो गया, तो क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, अपने काम से संतुष्ट है, बहुत अच्छा लगता है काम करके। जो लोगों के सेवा कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो एक पर्पज है। अपने मोती चंद राम जी से बात की, आप मोटर ट्रेन चालक हैं और आप ट्रेन चलाते हैं, और इन्होंने बताया हमें यहाँ की थोड़ी पेचीदगी बताई कि किस तरह से संचालित होता है। जिस बातों से हम लोग दूर रहते हैं, ट्रेन से हमारा सामान्यता ही रहता है कि हम ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन चलती है, ये हमारा एक अनुभव रहता है, लेकिन आज मोटर कैबिन में आके जहाँ से ट्रेन संचालित होती है, जानने का हमारा उद्देश्य था इस रिंग सर्विस के ट्रेन में कि किस तरह संचालित होता है, कैसा रहस्य होता है, और किस तरह की मेहनत ये मोटर मैन जो करते हैं हमारे लिए, हज़ारों और सैकड़ों यात्री जो उनके पीछे सफ़र करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, ये सब कुछ हमने मोतीचंद राम जी से जाना। किस तरह का जो है आप लोगों की गाइडलाइंस होती हैं जब आप लोग इस ट्रेन में चढ़ते हैं, तो क्या कुछ रहता है? जैसे मैं ये देख रहा हूँ, ये सामने चार्ट है, तो इस चार्ट में किस तरह की चीज़ें रहती है? स्पीड चार्ट है, ये कासन जगह जगह लाइनों पे कासन लगा रखा है, हर जगह जो है कहीं लाइनों का मरम्मत है, कहीं प्लेटफार्मों का है, तो वहाँ की स्पीड जो है कंट्रोल दे रही है कि आपको यहाँ पे इतनी स्पीड से चलनी है। तो आपको उसमें पहले से दे दिया जाता है कि कहाँ पे कितनी स्पीड रहेगी, कहाँ कितना हॉल्ट है, ये सब आपको पता रहता है? हॉल्ट तो अलग से हमें लर्निंग करनी पड़ती है उसके लिए, कहाँ का हॉल्ट है, कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ से क्या करना है, उसके लर्निंग होती है। अच्छा, हाँ, कासन तो स्टेशन मास्टर द्वारा मिलता है कि कहाँ कहाँ की लाइनों पर कासन लगा हुआ है। तो जैसे ट्रेन के पीछे आगे, तो आप इस मोटर कैबिन से ट्रेन को संचालित करते हैं, पीछे गार्ड होते हैं, तो गार्ड और आपके बीच में किस तरह का समन्वय या संवाद होता है? संवाद होता है, ये बेल है, सिंगल बेल जो है बोलते हैं इसको। अच्छा, ये जो है, हाँ, इसके अनुसार अपने कोड भाषा में अपने इस्तेमाल करते हैं इसको, बेल बजा करके। तो कोड होता है कुछ, तो कुछ हमें बताना चाहेंगे किस तरह कोड रहता है? कोड है, जो गाड़ी अगर रुकवानी है गार्ड को, तो एक दबाते हैं, हमें अगर लाल सिग्नल मिलता है, कुछ मिलता है, तो एक दबा देते हैं, गाड़ी रुक जाती है। अच्छा, दो पे हम घंटी मारते हैं, दो दबाते हैं, तो उस पे जो है गाड़ी को चलाना है। अच्छा, तो ये एक बार दबाया तो मतलब रुकना है, हाँ, रुकना संकेत रहता है, दो बार दबाया तो इसका मतलब होता चलना है कि ट्रेन को चलाना है। हाँ। अच्छा, और ये जो आपके हाथ में है, इसे इसका ब्रेक कंट्रोलिंग है, इसे स्पीड कंट्रोल करते हैं, ब्रेक रोकते हैं गाड़ी को। अच्छा, हाँ, तो ये कंट्रोल होता है, इसे कंट्रोल करते हैं गाड़ी, ये आप अपने स्वतः निर्णय से लेते हैं। हाँ, कितना रहना है। हाँ। अच्छा,
और ये जो ये हाथ के आपने ये दबा रखा है आपने इसमें दाहिने हाथ में, इसके जो है स्पीड का कंट्रोल मोटरों में कितना करंट दे के स्पीड बढ़ा सकते हैं उसको करते हैं। और इसके नीचे जो चक्री सी है, ये चक्री है जो है इसको सेट करते हैं आगे या पीछे की जो है, आगे चलाने तो आगे की तरफ करेंगे, पीछे चलाने तो पीछे की तरफ करेंगे इसको सेट। अच्छा, रिवर्सर वो? हाँ, रिवर्सर है, इसका नाम रिवर्सर। अच्छा, और इसका कुछ और भी काम है जो आपने दबा के, ये मैं देख रहा हूँ आप हमेशा दबा के रखते हैं इसे, इसका कुछ कारण कि अगर मुझे कुछ हो जाए मोटरमैन को तो ये प्रेशर से दबा से ही इसको नाच ले सकते हैं, चला सकते हैं गाड़ी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये अपने आप छूट जाएगा और गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। मतलब ये जो आपने दबा रखा है इसका ये है कि जब तक ये दबा हुआ है तब तक चलती रहेगी, अगर भगवान ना करे जो मोटरमैन है उनको कुछ हो जाता है तो ये स्वतः रुक जाएगी, ये छूट जाएगा हाथ से, उड़ जाएगा तो जो है अपने आप गाड़ी रुक जाएगी। ये लिहाज से रखा गया है क्योंकि इस जो मोटर कैबिन में है जो ये वो होते हैं उसमें एक ही मोटर, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि इसे दबा के रखे तो ये चलेगा, नहीं तो जो है सुरक्षा के यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये रुक जाता है, इसी तरह की बात है। हाँ, यात्रियों की सुरक्षा के लिए है कि हमें कुछ हो गया तो अपने आप गाड़ी खड़ी हो जाएगी। बेपटरी हुई रिंग रेल सेवा को फिर से पटरी पर लाने के लिए अगर सकारात्मक तरीके से कार्य योजना बनाई जाए तो ये दिल्ली वालों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। दिल्ली के सड़कों पर बढ़ते गाड़ियों के दबाव को कम कर दिल्ली को ट्रैफिक की समस्या से बचाया जा सकता है और दिल्ली वालों को सस्ती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी मिल सकती है और पुनर्जीवित किया जा सकता है दिल्ली का अपना लोकल।